हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं लकी इलेवन चैनल। आज आपको स्वागत करता हूँ मैं टूटी फूटी टेक एपिसोड नंबर 47 पे। तो गाइस, रोज की तरह आज भी आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज लेके आया हूँ। तो गाइस, लेट मत कीजिए। मैं जैसे रोज बोलता हूँ, आज भी बोल देता हूँ थोड़ा, कि वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताना कौन सा न्यूज़ आपको अच्छा लगा है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला न्यूज़ निकल के आता है नोकिया की तरफ से। नोकिया का 2.3 वाला जो नया मॉडल डेटाबेस निकल के आ चुका है। यहाँ पे 3 कलर वेरियंट में अभी आने वाला है। पता नहीं कौन कौन सा कलर होगा। अभी नोकिया का 2.3 में बजट स्मार्टफोन से निकल के आया है। अभी 2.2 जो है अभी 7,000-6,000 की रेंज में आ रहा है। तो 2.3 भी शायद उसी रेंज में आने वाला है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो है उसका डेटाबेस कुछ निकल के आया है। इसका जो एक छोटा सा जो रिक्वायरमेंट निकल के आया है, यहाँ पे ब्लूटूथ 5 सपोर्ट का होने वाला है। आप देखते हैं नोकिया 2.2 के बाद 2.3 जो आने वाला है वो कैसा मॉडल होने वाला है। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल के आता है वीवो की तरफ से। वीवो का S1 बहुत ही सक्सेस वाला मॉडल, उसके बाद लॉन्च होने वाला है वीवो का S5, जिसका लीक्स और ट्रेंडर आपके सामने निकल के आया है। जिसका डिस्प्ले होने वाला है पंच होल वाला डिस्प्ले, जिसका जो बेसल होगा बहुत ही स्लिम होगा। और ये लॉन्च होने वाला है 9 अगस्त 2014 को चाइना में। आप देख सकते हैं ये आपका वीवो का S5 का फोटो है। तो आपको लगता है ये वाला मॉडल इंडिया पे आने वाला है या आने वाला है, कब आने वाला है, किस प्राइस रेंज में आने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या वेरिएंट के साथ आने वाला है, आपके पास कुछ नॉलेज है तो नीचे कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल के आता है रेडमी की तरफ से। रेडमी का जो MI Note 10 Pro वाला मॉडल है, जो रेडमी नोट 10 के साथ लॉन्च होने वाला है 6 नवंबर को। लेकिन 6 नवंबर आज नहीं कल है, मतलब आज ही है। तो कुछ अपडेट इसके बारे में नहीं निकल के आया है। इसका टीजर जो है कुछ आप फोटो तो वगैरह देख सकते हैं। पेंटा कैमरा के साथ आने वाला है रेडमी नोट 10 जो होगा। इस मॉडल पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने वाला है, जो दुनिया में फर्स्ट टाइम इतना मेगापिक्सल किसी डिवाइस पे देखने वाला है। तो ये लॉन्च होने वाला है रेडमी नोट 10 स्पेन में। तो आज बुधवार को ये लॉन्च हो जाएगा स्पेन में। तो आपको इसमें कुछ नॉलेज है कि इंडिया में आने वाला है, नहीं आने वाला है, कब तक आने वाला है, किस नाम से आने वाला है, कुछ भी तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता ही दीजिए भाई। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल के आते हैं ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का जो नया कलर OS वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो कलर OS 7 जो है वो लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी 20 नवंबर को। ये गेमिंग वाला कुछ मल्टीमीडिया फीचर्स वाला, ऐसे सैमसंग ऐसे गेमिंग लॉन्चर है, गेमिंग कोई भी फीचर्स है उसके साथ ओप्पो का ये नया टीजर जो है ओप्पो कलर OS 7 लॉन्च होने वाला है। ये पहले भी ओप्पो में आ जाएगा, उसके बाद रियलमी में भी आ जाएगा। ओप्पो का रियलमी साफ ब्रांड है तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। आपके पास ओप्पो का कोई नया वाला डिवाइस है और आपका रियलमी का कुछ 5, 5 Pro, 3 Pro कोई भी नया वाला डिवाइस है तो उसमें भी आपको शायद ये ओप्पो का कलर OS 7 अपडेट होने हुए दिख जाएगा। तो आपके पास कुछ नया फ़ोन है क्या, अपडेट आया है, ऐसा कुछ नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताना है। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल के आता है रेडमी की तरफ से। रेडमी का जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसमें रेडमी का फ़ोन जो है सेल में फ्लिपकार्ट में देखते हुए नजर आ जाएगा, जिसमें रियलमी 5 Pro, रियलमी C2 और भी रियलमी का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है 8 नवंबर तक ये ऑफर चलेगा। 5 से 8 तारीख का रियलमी डेज ऐसे फ्लिपकार्ट में बोला जा रहा है, जिसमें 1,000 रुपये का सेल चलेगा। इसमें रियलमी 3 Pro पे आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट चलेगा। इसमें बैंकिंग डिस्काउंट भी है, बहुत सारा स्कीम भी चल रहा है। तो आप अगर रियलमी का फ़ोन लेना चाहते हैं, ऑफर में अवेल करना चाहते हैं, तो जल्दी से कल या परसों या 5 से 8 तारीख के अंदर अपना फेवरेट रियलमी का फ़ोन ज़रूर उठा लीजिए। आपका क्या नॉलेज में आ रहा है, क्या रियलमी का फ़ोन लेना चाहते हो, क्या ऑफर में अभी इसको अवेल करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। यहाँ पर क्या रेडमी की तरफ से कुछ MI Watch के लिए कुछ अपडेट निकल के आया है, जिसमें एल्युमिनियम एलॉय फ्रेम में 1.7 इंच का स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। कुछ ऐसे स्क्वायर वाला डिस्प्ले से एप्पल का है उस वैसा ही हो जाएगा। MI का वॉच जो प्राइस होगा जो U1 में 1299, U1 राफली इंडियन प्राइस में 13,000 रुपये ऐसा कुछ होने वाला है। जो अभी इंडिया में लॉन्च होने का कुछ बात फिलहाल नहीं चल रहा है, चाइना में लॉन्च होने वाला है। MI का वॉच 44mm का डायल रावा स्ट्रेप के साथ होने वाला है, प्रीमियम वेरियंट में आने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन उसमें दिख जाएगा। हालांकि 580mm का कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं है, हालांकि ये वाटर प्रूफ होगा, इन्हें का वाटर के हिसाब से 580mm होना चाहिए। ये दोनों कलर
स्टार वेरियंट में आएगा सिल्वर और ब्लैक, आपको इसमें से कौन सा चूज़ करना है इंडिया में आएगा तो आपको नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। Realme की तरफ से डेटा अपडेट निकल के आता है। Realme ने बोला है कि भाई 5.2 मिलियन स्मार्टफोन जो है हम 15 सीरीज में लास्ट मंथ बेच चुका है क्वार्टर थ्री में, इसमें 5.2 मिलियन फ़ोन बिका है हम सितंबर की 30 से अक्टूबर की 21 के अंदर। Realme हो गया है थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया इन सितंबर महीने में। अभी ग्लोबल की बात देखें तो 7th पोजिशन में Realme और Xiaomi आपका 5th पोजीशन में। अभी रियलमी का जो शिफ्टिंग है 10 मिलियन स्मार्टफोन Q3 में 2019 में बिक चुका है, और रियलमी का ऐसा ब्रांड है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है Q3 के अंदर पूरा दुनिया में। तो आपका अगर रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रिव्यू में कैसा लगता है नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। या फिर MI की तरफ से नया अपडेट निकल के आया है। MI का TV जो है MI TV 5 Pro विथ 4K डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो रहा है। 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच तीन ही वेरियंट में निकलने वाला है। MI TV जो है उसका चाइना में सितंबर और नवंबर के 11 को लॉन्च होने वाला है। जो बहुत फोन TV होगा वो होगा एमोलॉजिक T970SoC के साथ, और पावर जो होगा वो T970SoC के साथ होगा। इसमें पैच वॉल भी देखने को आपको मिल जाएगा। इंडिया के लॉन्च होगा MI TV 5 Pro। इसका प्राइस को होगा चाइना के प्राइस रेंज में 2,399 लगेगी, 30,000 रुपये लगभग होने वाला है। और MI TV 5 Pro जो होगा 3,699, हालांकि लगभग 37,000 प्राइस रेंज इसमें होने वाला है। आपको क्या लगता है इसी इतना रेंज में MI की TV लेना चाहिए नहीं चाहिए, दूसरे सोनी सैमसंग LG पैनासोनिक कुछ भी लेना चाहते नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे लास्ट अपडेट और सबसे बढ़िया अपडेट निकल के आता है MI की तरफ से। हाँ भाई MI की तरफ से नया इतना अपडेट आता है आपको क्या बोलूँ। MI का CC9 Pro वाला जो मॉडल है जो DxO मार्क में फोटोग्राफी के रैंकिंग में 121 ओवरऑल स्कोर किया है, जहाँ पे नोट 10 प्लस का 120 था, वहाँ पे सुप्रीम वीडियो रैंकिंग यहाँ पे आ चुका है। अभी जो CC9 Pro स्कोर 130 तक फोटोग्राफी में जा रहा है, 102 जो वीडियो में आ रहा है। अभी CC9 Pro जो है गैलेक्सी नोट 10 प्लस और पिक्सल 4 के भी बीत थोड़ा बहुत कर चुका है, मतलब ओवरऑल नहीं कुछ रैंकिंग में थोड़ा बहुत हो चुका है। इसमें पेंटा कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। MI CC9 Pro 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ डुअल टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा अगर अभी तक देख रही है तो नीचे ज़रूर लाइक कर जाना वीडियो, नीचे कमेंट कर बताना कौन सा न्यूज़ आपको अच्छा लगा, और चैनल मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो मेरे साथ सुनो जोर से बोलिए आपको जय हिंद वंदे मातरम। No, hey, you like my shots, but all of I are yurda. Yeah, hit the club and someone vada vada lurda. Some on the dumb and I don't think I'll stop on my. So I land on my.